इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सम्राट भैया, ब्रह्मचारी भैया, आपने पूर्व में प्रतिभा स्थली के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी, वर्तमान में 7 लाख रुपए की और स्वीकृति, टोटल 22 लाख रुपए ज्ञान दान की योजना। तालियां बजाकर अनुमोदना, 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 अनुमोदना बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और राजकुमार भैया से भी निवेदन, ब्रह्मचारी सम्राट भैया से निवेदन, अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, फिर ऐसा तराश दिया बन गए विद्या सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। बोलिए अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान ने जापानी शैली में छंद लिखे हैं, उस 645 छंद की एक, भैया इसकी आवाज थोड़ी कम करें, 645 छंद की एक पुस्तक है हाइको, आचार्य भगवान द्वारा रचित। यदि आप वो उसके भावार्थ सहित है यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो चल चरखा हथकरघा केंद्र जो सजस्ट सामने है वहां पर रियायती दरों पर उपलब्ध है। और आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी, कल शरद पूर्णिमा है, चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट आपसे निवेदन करती है कि यदि आप, जब 10 मुनि महाराज की दीक्षा 1997 में हुई शरद पूर्णिमा पर, गुरु उपकार दिवस के रूप में कल हम मनाएंगे, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। 10 मुनिराज कौन कौन से थे 1997 में सिद्धोदय क्षेत्र में नेमावर में जहां दीक्षा हुई थी, बोलिए 10 महामुनि राजों के दीक्षा महोत्सव की, जो कल आने वाला है शरद पूर्णिमा को, वो दिन जब जहां पर मुनि पूज्य मुनि अपूर्व सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी। तालियां बजाकर तो अनुमोदना करो, जय जय जय। निर्यापक समण श्री प्रशांत सागर जी मुनि महाराज की दीक्षा हुई, जय जय जय। मुनि महाराज निर्वेक सागर जी महाराज की दीक्षा हुई थी जो शिखर जी में विराजमान है, चातुर्मास चल रहा है। पूज्य मुनि विनीत सागर जी महाराज जो महाराष्ट्र में परभणी में जिनका चातुर्मास चल रहा है, पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जिनका इटारसी में चातुर्मास चल रहा है, पूज्य प्रबुद्ध सागर जी महाराज जिनका दमोह में चातुर्मास चल रहा है, पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज जो समाधिस्थ हो चुके हैं, पूज्य पुण्य सागर जी महाराज जिनका चातुर्मास बेलगाम कर्नाटक में हो रहा है, पूज्य पाय सागर जी महाराज जिनका बीजापुर कर्नाटक में हो रहा है, और एक नाम कौन सा छूट गया बताइए जिन 10 महामुनि राजों की, तालियां बजाकर अनुमोदना। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरुवर जी ने जो 10 दीक्षाएं दी थी उसमें से एक निर्यापक समण पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी में अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में गुरुवर के चरण सन्निधि में चातुर्मास हो रहा है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। ऐसे शरद पूर्णिमा के गुरु उपकार दिवस के दिन यदि आप, एक किट है रियायती दरों पर आचार्य भगवान का साहित्य, मूक माटी महाकाव्य, हाइको पुस्तक और विद्याधर से विद्यासागर और ज्योतिर्मय निर्गंध पुस्तक
आकर्षक पैड और पेन, इतनी सारी चीजें एक किट बनाकर चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र चातुर्मास समिति की ओर से रखी गई है, जिसकी कीमत मात्र 200 रुपए है। तालियां बजाकर अनुमोदन करें और सब लेना ना भूले चल चरखा केंद्र पर, शरद पूर्णिमा के दिन सबको उपलब्ध हो गुरुवर का साहित्य इस भावना के साथ, जिसकी पूरी कीमत 500 से भी ज्यादा है, किंतु इस साहित्य सब तक पहुंचे गुरुवर का, तालियां बजाकर अनुमोदन करें चल चरखा हथकरघा केंद्र पर। और आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको प्रतियोगिता, जिस पर www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, जो 24 अक्टूबर अर्थात दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक, 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर सभी लोग हिस्सा लें। कल 5 बजे से प्रभात फेरी है पहाड़ी पर, जो जो महानुभाव पूरे पहाड़ी की प्रभात फेरी, कल गुरु उपकार दिवस है, सब आना ना भूलें। प्रातः 5 बजे से प्रभात फेरी और 8 बजे से रात्रि को प्रतिभा स्थली की छात्राओं के माध्यम से नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, विद्याधर से विद्यासागर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, प्रतीक, यशगंज, बासोदा, आपने सोने का मंगलसूत्र चंद्रगिरी मंदिर के निर्माण में दान में दिया है, सोने के दान की अनुमोदना। आप आए प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें, शीघ्रता से आ जाएं। सतीश कुमार, प्रदीप कुमार, प्रतीक कुमार, यशगंज, बासोदा, आप 2 व्यक्ति आ जाएं शास्त्र भेंट करने का। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य। प्रशांत जी जैन कोतमा से पधारे हैं, आपसे भी निवेदन, आप भी आए आचार्य भगवान के चरणों में नमन करते हुए सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रशांत जी जैन कोतमा, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए पूर्व में एक जिन बिंब की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त किया, तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। भामा देवी ग्राम वाशिम महाराज से जो जो आए हैं, 2 व्यक्ति आ जाएं, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इंदौर जैन समाज से जो पधारे हैं, आप भी आए नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी महानुभावों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जिन्होंने सोने के कान के बाले दान में दिए हैं, उनका नाम यहाँ तक नहीं आया है, सिर्फ आभूषण आए हैं, आपसे निवेदन, आप भी आ जाएं, अपना नाम यहाँ पर दे दें और आचार्य भगवान के करकम ससंग करकमलों में पूज्य निर्यापक समण जी प्रसाद सागर जी महाराज और तपस्वी पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के करकमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पूज्य शीघ्रता से आपका नाम बताइए, कहाँ से? ममता जी जैन नौरंगपुर उड़ीसा, आपने सोने के आभूषण मंदिर में, तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट आपको विश्वास दिलाता है कि आपके दिए हुए सोने के दान का उपयोग सिर्फ मंदिर निर्माण में होगा, जिन बिंब की स्थापना में होगा। जिन किसी महानुभाव को अपने स्वर्ण के आभूषण दान में देना है और कल गुरु उपकार दिवस पर जिस जिसको शास्त्र भेंट में अपना नाम लिखाना है पहले से लिखा दें, जिनके नाम पहले से लिखे रहेंगे उन्हें ही हम आमंत्रित करेंगे। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। कर्नाटक के वसदरगा से जैन समाज के अध्यक्ष हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आचार्य परमेश की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। मंगल भवन अमंगल हारी, गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। कृपा करो सब पे गुरुदेव। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम भीम सी 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो।
अत्र तिष्ठ स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भवभव वसत् सन्निधिकरणम् परिपुष्पांजलम् छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। ज्ञान सिंधु के कुल के दीपक हो, जिन शासन को करते रोशन। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नाही, हमरे उलझन सुलझा दो भगवन। हमरे उलझन सुलझा दो गुरुवर, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नाही। गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नाही, इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा बस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। इस मतलब की दुनिया में कहीं मिलता सच्चा प्यार नहीं, इस मतलब की दुनिया में नहीं मिलता सच्चा प्यार कहीं।
देख बना कर गुरु को साथे, इनसे सच्चा यार नहीं। देख बना कर गुरु को साथे, इनसे सच्चा यार नहीं। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता रिष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना पाता है। ओम भीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्ग भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समर्ण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवन, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सभ्यसाहूणम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचित आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। इस सदी का तीसरा शतक, इस सदी का तीसरा दशक चल रहा है, दशक। और इस दशक में सारा विश्व, उसकी मानवता के सामने एक ऐसी बिकट समस्या खड़ी हुई है। इस सदी के तीसरे दशक में तीसरा विश्व युद्ध की संभावना सामने खड़ी हुई है। कितनी विवशता है हम कह नहीं सकते। उसके लिए वह अपना संकेत कर रहा है। एक के बाद एक ऐसी प्रश्न बनती जा रही हैं कि पूरा विश्व इस समय एक ऐसे ढेर पर खड़ा हुआ है। कब कैसी घटना घट जाए कह नहीं सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, इसकी सच्चाई क्या है? एक ही बात सामने आती है, वो सच्चाई एक ही आती है कि विकास और वर्चस्व। हमारा वर्चस्व होना चाहिए, हमारा विकास होना चाहिए। ऐसी इस पूरे विश्व की दिशाहीन दौड़ चल रही है, उसकी कोई भी दिशा नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रत्येक मनुष्य है, प्रत्येक समाज है, प्रत्येक राष्ट्र है, हर एक ऐसा इंसान है जो इसका जिम्मेदार है। क्योंकि उसकी दौड़ तो चल रही है, उसकी दिशा भी नहीं हो रही है। पर सच्चाई क्या है? क्योंकि थोड़ी सी भी ना समझी हुई, थोड़ी सी भी असावधानी हुई, क्या घटना घट जाएगी, ये सब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है। इसलिए आचार्य उमा सिंह महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, व्यवहारम्भ परिकृतम नरकस्यसा। मतलब बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह जो होता है नरक आयु के आश्रव का कारण होता है। आश्रव होता है, बंध होता है, उसको फल भोगना पड़ता है। भाई इसलिए अभी ऐसी यहाँ बनती जा रही है। क्यों बनती जा रही है? क्योंकि बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह प्रति हमारी मानसिकता बढ़ती जा रही है। सिर्फ भौतिकतावादी के हिसाब से चल रही है। ये हमारे सामने ऐसा आत्मघाती वस्तु आ गई है कि हम विकास की दौड़ के नाम पर अपने आप को मिटा भी रहे हैं। पूरे विश्व मानव जाति मिटाने तुले हुए हैं। सब देख रहे, जान रहे हैं, सबके पास मोबाइल है, टीवी है। क्या इसी बनती जा रही है
क्योंकि आसक्ति आसक्ति बहुत अधिक ऐसी हो गई है, बहुत आरंभ परिग्रह से ये होता है। अब इसके लिए आचार्य मार्ग ने कौन सा हाइको लिखा हम आपको बता देना चाहते हैं। कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे, कुंडली मार, समझ में आ गया आपको, कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे। बहुत आरंभ परिग्रह की लालसा होती है और उस समय आयु पूर्ण हो जाती है, ऐसा जब लालसा गिद्धता के कारण से उसका भाव बिगड़ जाता है और वह जाकर के क्या बन जाता है, सांप बन जाता है, और ऐसा होता है कि खजाने में जाकर बैठ जाता है। और ऐसे कथानक आते हैं आगम में कि वह सेठ जी थे, वह राजा थे, खुद ही मर करके उस खजाने में जाकर के बैठ गए, जो राजा थे वो, जो उन्होंने खजाने इकट्ठा किया था, हीरे मोती झावड़ा जितने इकट्ठा किया था, मर करके उसी में जा सांप बैठ गए। और कोई भी जब उसको लेने आता था, मंत्री है सेनापति है, तो फुंकार मारता था, जब सगा बेटा आता था कुछ नहीं कहता था, क्या मान बैठे, तो किस कारण से हुआ, क्रोध के कारण से हुआ नहीं, पाप में अधिक हिंसा के पाप से हुआ क्या नहीं, झूठ के पाप से, कुशील के पाप से, चोरी के पाप से, परिग्रह के पाप से हुआ है। एक ऐसा ग्रह है जे नौ ग्रहों की व्यवस्था तो अपन सब कर लेते हैं, ग्रह साढ़े सात ही चल रहे हैं भैया, शनि ग्रह चल रहे हैं, मंगल ग्रह चल रहा है, ये अनेक व्यवस्थाएं चल रही हैं, इनके हम पूजा विधान अनुष्ठान सब कुछ करते रहते हैं कि इन ग्रहों की शांति हो जाए, ताकि सुख शांति बनी रहे। लेकिन जो परिग्रह नाम का जो दसवा ग्रह, कौन सा ग्रह, दसवा ग्रह कराएगा ना, इसके हम इसको ग्रह नहीं मान रहे हैं, इसको हम ग्रह नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसके और आ जाए ऐसी आसक्ति का परिणाम ये होता है कि वह जीव चंच गति में नरक गति में चला जाता है, कुंडली मार करके बैठ जाता है, इस प्रकार से ऐसा होता रहता है। ये हाइको की बात चल रही है। और हमारे मुनि श्री सौम्य सागर महाराज जी विगत एक महीने से जिंतूर जानते हैं अपने महाराष्ट्र में, प्रतिदिन एक एक हाइको पर ऐसा विशिष्ट प्रवचन कर रहे हैं कि लोग समझ क्या आचार्य ने क्या चीज लिख के दे दी है, क्या बता दे दी है। ऐसे सभी मुनि महाराज सभी आर्यिका संघ इस पर अपना विशेष विशेष चिंतन दे रहे हैं। एक ही बात से बताना चाहते गुरु जी कि परिग्रह को कम करो, नहीं तो क्या स्थिति बन जाएगी, जैसी कुंडली मार करके वह सांप जा करके बैठ गया है। कल रोटी की बात चल रही थी कि रोटी बनाकर खिलाना चाहिए, खाना चाहिए, अब बीमार पड़ गया व्यक्ति, डायबिटीज हो गई, अब डॉक्टर के पास में गए, यहाँ पर मोटापे का विशेष इलाज है, डायबिटीज का विशेष इलाज होता है, आप तो संपर्क करें, निःशुल्क सेवाएं दी जाएंगी यहाँ पर, यहाँ पर आपको सलाह निःशुल्क दी जाएगी, ठीक है भाई। वो पहुँच जाता है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत परेशानी है, डायबिटीज डॉक्टर ने कह दिया है, मतलब सबने बोल दिया है डायबिटीज है, डायबिटीज है, अब इसका इलाज आप बता दीजिए, सिंपल इलाज, सर इलाज है, क्या करें, आपको दो रोटी खाना है। अच्छा, इससे हम ठीक हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, आप मेरी बात मान लीजिए। बड़ा खुश हो गया, वापस जाकर अपनी कार में जाकर बैठने लगा, फिर लौट के आ गया, डॉक्टर साहब हम एक बात पूछना भूल गए, आपने कहा था कि दो रोटी खाना चाहिए, ये बताओ भोजन करने के पहले खाना है कि भोजन करने के। तो ऐसा नहीं कि रोटी खा के खाना चाहिए, तो ये परिग्रह लालसा जो होती है ना, चाहे भोजन के प्रति गिद्धता हो, चाहे किसी भी भोग विलास के प्रति गिद्धता हो, एक गिद्धता हमारी नुकसानदायक हो जाती है। एक और उसमें खाई को याद आ गया जिसमें आचार्य ने लिखा है कि जीव बहुत दिन से दुखी है, जब भोजन इसमें मिलता है ना तो जीव सुखी हो जाती है, तो बहुत दिन से दुखी है, दुखी क्यों हो गई है, क्योंकि पेट ना पीठ ने दोस्ती कर ली है, पेट ना पीठ ने दोस्ती कर ली है, मतलब समझ में आ गया कि जिसकी पीठ और पेट एक हो गए हैं, मतलब रसने इंद्रिय उसको उसको इस इंद्रिय इंद्रिय विजेता हो रहा है, ज्यादा देना नहीं चाहता है, तब से जीव दुखी हो रही है, ये लालसा का ही परिणाम होता है, इसलिए कहा है। अब आप लोग समझते हैं कि बहुरूपिया किसे कहते हैं, बहुरूपिया होता ना, क्या कहलाता है, अनेक रूपों को बदलता रहता है, वह बहुरूपिया कहलाता है,
लेकिन वास्तव में हमने इसमें एक बात पढ़ी थी कि बहुरूपिया किसे कहते हैं, बहु रूपिया, जिसके बाद बहुत, जिसके बाद बहुत क्या रहता है, बहु रूपिया है, उसका परिणाम रहता है उसके में जो मोह आसक्ति जो मूर्छा पन आ गया, तो बाद में गिरगिट के साथ रंग, जैसे गिरगिट बदल गिरगिट होता है ना, ऐसे तेंदुलकर में चला जाता है, अनेक रंग बदलता रहता है गिरगिट, इस प्रकार से ऐसा होता रहता है। इसको इकट्ठा करने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, पढ़ते हैं, कह नहीं सकते हैं। इसलिए उलट पलट से बचो, कल जब आता, इसलिए हीरा 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 है, कांच कांच है, किसके लिए, ज्ञानी के लिए, ज्ञानी की दृष्टि में हीरा हीरा है, कांच कांच है, इसलिए कांच की कीमत क्या होती है, हीरे की कीमत क्या होती है, ये ज्ञानी समझ सकता है। और जो परम बीज रागी होते हैं उनके लिए कांच कनक में समता हो, सामने कांच भी आ जाए हीरा भी आ जाए, दोनों उनके लिए तो जड़ पदार्थ से दिखते हैं, क्योंकि हमारा नहीं है। जिनको आसक्ति परिग्रह की आसक्ति रहती है वह हीरा को तो कीमती समझता है, इकट्ठा करके रखता है, लेकिन जो साधु परमिष्टि होते हैं उनकी दृष्टि में दोनों में समान, उनकी दृष्टि में समानता रहती है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। एक ज्ञानी की बात है। कल जब आचार्य महाराज जी हम सब के लिए स्वाध्याय कर रहे थे, तीनों महाराज जी के लिए, उसमें ज्ञान का विषय आया था कि पांच ज्ञान होते हैं और ज्ञान के कैसे कैसे बंध होते हैं, उसकी विषय चल रही थी, उसे चल रहा था, तो उसमें मना पर्याय ज्ञान की बात आई कि मना पर्याय ज्ञान की क्या विशेषता रहती है, कि जो आपके मन में तिष्ठित वस्तुओं को जान ले समझ लेते हैं, मन प्रज्ञान नहीं होते हैं। कितने प्रकार ज्ञान होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक ऋजुमति मना पर ज्ञान और एक विपुलमति मना पर ज्ञान। अब हम आचार्य ने बताया कि ऋजुमति पर मना पर ज्ञान क्या कहलाता है, कि मन में जो सरल बात है सीधी बात है ना, उनको जान लेता है। तो हमने कहा आचार्य महाराज जी यदि इस समय किसी मुनि महाराज के दर्शन हो जाएं जिनको ऋजुमति विपुल ऋजुमति मना पर ज्ञान है ना, उनका काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्तमान में हम सब इतने कोटन है, सरलता हमारे है नहीं है, तो हमारे मन की बात वो तो जान ही नहीं पाएंगे। उनके विपुल मति मना प्रज्ञानी आना चाहिए। तब आचार्य जी ने क्या बात कही मैं आपको बताना चाहता हूँ। आचार्य महाराज जी ने कहा कि हाँ ये तो सीधे सीधे तो कोई बोल के जानते नहीं, आज के इंसान जो है वर्तमान मानव है वो सीधी सीधी बात तो करता ही नहीं है, उसको तो उलट फेर करने में आनंद आता है, घुमाने में ही आनंद आता है। सीधी सीधी बात कहो तो कोई मानता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, तो हमारी आदत कैसी पड़ गई है, बात को घुमाने की, कुटिलता की बात, कुटिलता के बिना हमारा काम चलता ही नहीं है। यदि वर्तमान में ऋजुमति विपुल ज्ञानी ऋजुमति मना परिज्ञानी महाराज यदि होंगे तो हमारे मन की बात को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हम इतने कुटिल, क्योंकि क्या करें, महावीर स्वामी के समय काल के हम सब उनके शिष्य हैं, और उसमें कहा भी गया है कि इस समय जितने भी शिष्य होंगे इतने कुटिल ही रहेंगे, इतने उनकी भावना ऐसी ऐसी रहेगी कि एक आदिनाथ भगवान के शिष्य थे, इतने सीधे सरल से जानते नहीं थे कुछ भी, तब भी उनको प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, गलती करो या नहीं करो। और वर्तमान में वर्तमान शासन महावीर स्वामी के हम सब शिष्य हैं, उनका काल चल रहा है, तो चूंकि इस समय के जितने उनके शिष्य हैं, जितनी परंपरा वाले हैं वो कुटिल वाले हैं, तो हमने कोई गलती नहीं की है, कोई बात नहीं, तब भी आपको तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, तस्मै क्षामि दुक्कड़म तो करना ही पड़ेगा। शेष बीस में बीच के जो 22 भगवान बचे उनके समय काल में जब कोई गलती होती थी तभी प्रेरण करना पड़ता था, ऐसा आगम मूलाचार में ऐसा आया है। इसलिए हम सरल बने विपुल न बने, क्योंकि जो आड़ते अच्छा चलता है वही बनता है, कभी भी साफ चीजें नहीं चलता है, आड़ते अच्छा चलता है। हमारे मन की भावनाएं, मन की परिणति, हमारे क्रिया की परिणति, वचन की परिणति तिरछी घुमावदार होगी तो उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कुंडली मार कंकर पत्थर पर क्या मान बैठे, इसलिए मान कषाय को कम करो, परिग्रह को कम करो, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं और समुची मानव को हम ऐसा रास्ता दे सकते हैं। परिग्रह पोट उतार सब लीनो चारित पंथ निस्वभाव में थिर भये,
वज्रनाभ निर्ग्रंथ, जिनके पास ऐसा वैभव था, सब कुछ था, उन सबको वैभव को छोड़ करके भी, उन्होंने पर को छोड़ करके भी ऐसी दिगंबरी दीक्षा धारण करके अपना आत्म कल्याण कर लिया है। इसलिए जो संग है तो संग से काम नहीं चलेगा, निसंग से काम चलेगा। निसंग बनो, परिसरित बनो, इसलिए मूर्छा परिग्रह को कम करो, नहीं तो बाद में ऐसे ही होगा कि जो अभी तक दो ही युद्ध हो पाए हैं, विश्व युद्ध पाए हैं, तीसरे की क्या स्थिति बनेगी कह नहीं सकते हैं। किसी ने पूछा कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, तो उनसे कहा गया कि भाई हम बता नहीं सकते तीसरे विश्व युद्ध की क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, कैसे होगा, परिणाम क्या होगा तीसरे विश्व युद्ध का। थर्ड वर्ल्ड वार जो होने वाला है ना, होगा मान लो, तो कैसा होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि चौथा युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। चौथा युद्ध जो होगा ना, विश्व युद्ध होगा, कैसे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सिर्फ पत्थर बचेंगे, पत्थर है। तो चौथा विश्व युद्ध तो पत्थरों से लड़ा जाएगा, कहीं समूची को कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इस विश्व को बचाना चाहते हो, समूची मानव सभ्यता को बचाना चाहते हो, तो हमको परिग्रह को कम करके, आसक्ति को कम करके, एकमात्र अपने आत्म गौरव को जानना पड़ेगा, उसको वैभव को जानना पड़ेगा, और सब में सहायता, सहजता और सरलता की परिणत रखते हुए सबके कल्याण की भावना करते रहेंगे। इसलिए दिशाहीन दौड़ से कोई फायदा नहीं है, हम सबकी दिशा एकमात्र अपने आत्म वैभव की ओर हो, पंचमेश चरणों में हो, इसी मंगल भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम सिद्धि, दी शिव शौक के सिद्धि, चिंता मणि चिंतित वस्तु दाने तामंद मानस ममास्तुदेव। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, मात्र दो दिन बचे हैं हाइको प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए। निःशुल्क हाइको प्रतियोगिता www.विद्यासागर.गुरु पर आयोजित है, सभी लोग उसमें निःशुल्क हिस्सा लें। सभी लोग जिन महानुभावों ने दान की राशि की स्वीकृति दी है, यदि वे नगद जमा कराना चाहते हैं